हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्टोरिंग कोरल रीफ्स यूजिंग बायोरॉक। देखो, आपके सामने स्क्रीन पे क्या है, ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ क्या है? देखो, कोरल रीफ आपको क्या लग रहा है, क्या है ये? आपको लग रहा होगा छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि इस वाटर सोर्स में है। गाइज, ये प्लांट्स नहीं है। कोरल रीफ जो होते हैं वो एक तरीके के एनिमल्स होते हैं। कहने का मतलब, ये जो कोरल होते हैं, कोरल रीफ तो एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया। मैं कोरल की बात करूँ तो कोरल एक लिविंग एनिमल है। इस कोरल को पॉलिप्स भी कहते हैं, पॉलिप्स, POLYPS, पॉलिप्स। ये टीनी एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली टीनी एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स नहीं है। ये मिल के कोरल रीफ बनाते हैं, तो कोरल रीफ एक तरीके का लिविंग एनिमल हो गया। अच्छा देखो, पॉलिप्स जो होते हैं, अब टेक्निकल इशू की वजह से आपको ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहा होगा, हालांकि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अजूबे स्ट्रक्चर्स हैं ये। मतलब दिल खुश हो जाता है जब आप इनकी नेट जियो पे वीडियोस वगैरह देखेंगे, काफ़ी प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर, काफ़ी कलरफुल ये रहते हैं। ये जो पॉलिप्स होते हैं ये वाइट होते हैं, वाइट कलर में। लेकिन इनके ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक एल्गे होता है, माइक्रोस्कोपिक एल्गे जो कि इन एनिमल्स पे रहता है। अभी आपको दिखेंगे नहीं, और लेकिन जो ये माइक्रोस्कोपिक एल्गे होता है, यही इसका, उसको कहते हैं जूजेलेंथले, जूजेंथले। ये जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे है, ये इन टिनी ऑर्गेनिज्म पे मौजूद होता है, कोरल्स पे मौजूद होता है, और यही होता है जो इनको कलर देता है। अगर ये माइक्रोस्कोपिक एल्गे नहीं हो तो ये सिर्फ ब्लैक या वाइट दिखेंगे, कलरफुल नहीं दिखेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो एक सिम्बेटिक रिलेशनशिप है कोरल के बीच में और इस माइक्रोस्कोपिक एल्गे के बीच में, कि ये एल्गे उसको किसी तरह का कलर देता है, और ये जो एनिमल है, ये जो पॉलिप है, ये उसको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। जूजेलेंथे न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन में कोरल को असिस्ट करता है, कोरल को मदद करता है कि वो कार्बन कंपाउंड्स को फिक्स कर सके, इससे कैल्सिफिकेशन बढ़ता है, और कोरल्स को कई तरीकों में ये मदद करता है। और आप देखो कि ये जो वाइट होते हैं, लेकिन इनको कलर भी ये जूजेलेंथे देता है, तो जूजेलेंथे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और सिम्बेटिक रिलेशनशिप की मैंने बात की कि जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे हैं कोरल रीफ्स पे, जो इनको कलर देते हैं, कार्बन कंपाउंड्स को फिक्स करने में मदद करते हैं, तो इनको बदले में क्या मिलता है? तो इनको बदले में स्पेस मिलती है। जो कोरल होता है, जो एनिमल होता है, वो इस माइक्रोस्कोपिक एल्गे को स्पेस देता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट रहता है, तो इससे ये अपने को जिंदा रख पाता है। अच्छा, कोरल्स के बारे में हमने बात की, मैं बात करता हूँ न्यूज़ में क्या है। बायोरॉक, बायोरॉक एक तरह की मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन की मदद से, स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज़ लेते हुए हम कैल्शियम कार्बोनेट को पैदा करने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इससे प्रोड्यूस होता है, और ये जो कोरल रीफ्स होते हैं, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इनका जो स्केलेटन है, अगर आप देखेंगे तो ये स्केलेटन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना है। अब होते क्या है कि ये जो पॉलिप्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये जिंदा ये बढ़ते हैं, मर जाते हैं, फिर जो है अपने स्केलेटन पीछे छोड़ जाते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जो लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, फिर इन इसके स्केलेटन पर नए पॉलिप्स आ जाते हैं, नए एनिमल्स आ जाते हैं, नए कोरल्स आ जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर वो अपना स्केलेटन छोड़ जाते हैं। तो एक तरीके से लास्ट आप कह सकते हैं कि लार्ज एक स्ट्रक्चर बन जाता है कोरल रीफ का, और मैं कह सकता हूँ ये लार्जेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है आज की तारीख में पूरी दुनिया में, कोरल्स, कोरल रीफ। तो इस तरीके से स्केलेटन पे स्केलेटन बनते हुए कोरल रीफ्स बनते जाते हैं, और ये स्केलेटन्स जो है इनको नए पॉलिप्स ही कवर कर लेते हैं, फिर वो अपना स्केलेटन छोड़ जाते हैं, फिर उन पर नए पॉलिप्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से कोरल रीफ्स बनते हैं, और स्केलेटन जो एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको ही हम बायोरॉक के जरिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये कोरल रीफ्स की जो ग्रोथ है वो 4 से 6 गुना तक फास्ट हो जाए। अपनी एनर्जी वो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन में
बिल्ड करने में नहीं लगाएं, अपनी एनर्जी अपने को ग्रो करने में लगाएं। कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन हम उनको दे रहे हैं इंसान, क्योंकि हमने ही उनकी दुर्गति की है, तो हम और हमको ही वो इतना बेनिफिट्स देते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोरल्स को बचाने की कोशिश करें। ये हमने ये हुआ था गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कोशिश की गई थी, मदद ली गई थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके बारे में भी हम आखिरी में बात करेंगे। अच्छा, कोरल रीफ्स क्या हैं? देखो, कोरल रीफ्स मैंने कहा कि कोरल पॉलिप्स का एक स्केलेटन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जेलीफिश भी होती है और कई तरह के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। शेलो वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका स्केलेटन होता है। ये स्केलेटन वो बनाते हैं, सबसे पहले तो सी वाटर में से कैल्शियम सोल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर अपना स्केलेटन बनाते हैं, फिर स्केलेटन छोड़ जाते हैं, फिर उन पर नए पॉलिप्स आते हैं और धीरे धीरे इतना बड़ा स्ट्रक्चर ये बन जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनमें। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनमें लेयर्स पे लेयर्स लेयर्स पे लेयर्स बनने में, और इसे मरीन लैंडफॉर्म्स बनते आ जाते हैं। ये जो लैंडफॉर्म इतने बड़े होते हैं कि आप देखो, जो लक्षद्वीप है हमारा वो एक कोरल आइसलैंड है, मतलब लक्षद्वीप पे कोरल रीफ है, हमारे लक्षद्वीप पे कोरल रीफ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सोचो, कोरल रीफ इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे कि लक्षद्वीप जितना बड़ा आइसलैंड इन्होंने बना लिया। कोरल्स कई फॉर्म्स में होते हैं, कई कलर्स में होते हैं, कई ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होते हैं, मन भर जाता है इनको देख के, और काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट्स प्रोटीन्स कंस्टिट्यूएंट्स इनमें होते हैं। स्मॉल मरीन जो प्लांट्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, जो एल्गी एल्गी की मैं बात कर रहा था, जुजलेंथ माइक्रोस्कोपिक एल्गे, वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और कुछ एल्गीज भी होते हैं जो कि कोरल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने बात की कोरल्स की, कोरल्स को अब कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोरल्स होते हैं वैसे दो तरह के होते हैं, हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स ही होते हैं जो कि कोरल रीफ बनाते हैं, रीफ जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हार्ड कोरल्स ही होते हैं जो कि कोरल रीफ जैसा स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। और कई तरह के कोल्ड वाटर कोरल्स भी होते हैं, कोल्ड वाटर कोरल्स, ऐसे जो कोरल्स होते हैं वो बेसिकली वार्म वाटर में रहते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर कोरल्स भी होते हैं, उस पर हम आएंगे। कोरल रीफ्स की दुर्गति क्यों हो रही है? ये जो हमारे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, जो मरीन ऑर्गेनिज्म को, मरीन इकोलॉजिकल साइकिल को इस तरीके से फ़ायदा करते हैं, उसको हम क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं और किस तरीके से पहुँचा रहे हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, हाई टेम्परेचर वाटर का बढ़ता जा रहा है, कोरल्स का डिक्लेशन होता जा रहा है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में नहीं जीत सकते, इनके लिए टेम्परेचर फिक्स है, ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकते। 30 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो इनकी फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी वो इम्पेयर्ड हो जाती है, जो जुजलेंथ के द्वारा होती है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये मर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ दी जो कोरल रीफ्स हैं वर्ल्ड की, ये इस वजह से ही डिक्लाइन होंगे, क्योंकि ओशन वार्मिंग बढ़ रही है। भाई, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे कोरल रीफ्स पे सबसे बड़ा खतरा है, ओवर फिशिंग। देखो, एक इकोलॉजिकल फंक्शन होता है, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, आप देखोगे कि इकोलॉजिकल इम्बेलेंस जब हो जाता है, यानी किसी भी आप साइकिल में से किसी भी एक कंस्टिट्यूएंट को तोड़ देते हो, जैसे आप फिशेज रहती हैं, फिशेज ओवर फिशिंग जब होती है, इंसान ज़्यादा ज़्यादा मछलियाँ जब पकड़ता है, तो वहाँ की इकोलॉजिकल इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि फिशेज भी किसी ना किसी तरीके से कोरल रीफ्स को मदद करती हैं और कोरल रीफ से फ़ायदा लेती हैं, तो इकोलॉजिकल इम्बेलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी बात, कोस्टल डेवलपमेंट, लालच में आके हम जिस तरीके से कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, टूरिस्ट रिसोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट डैमेजेस इनको हुए हैं। पोल्यूशन, एक पोल्यूशन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है, क्योंकि पोल्यूशन जो होता है वो आप जो देखोगे टॉक्सिक जो पोल्यूटेंट्स है, कचरा जो होता है, प्लास्टिक जो होता है, आप ओशन में डंप कर देते हो, उससे कोरल रीफ्स में पॉइजनिंग हो जाती है और इससे नाइट्रोजन लेवल सी वाटर का बढ़ जाता है, जिससे जो एल्गे होती है, अब नाइट्रोजन, अच्छा न्यूट्रिएंट भी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इनको सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इससे ओवरग्रोथ जब एल्गी की हो जाती है, जिसको मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, जो लेक्स में भी पाया जाता है, तब न्यूट्रिएंट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यूट्रोफिकेशन उसको कहते हैं, यूट्रोफिकेशन है ना, लेक्स में भी, वैसे ये जो कोरल रीफ्स के साथ होता है, अगर एल्गी की ओवरग्रोथ हो गई
एल्गी की ओर ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एल्गी को तो मज़ा आएगा क्योंकि उसके लिए तो न्यूट्रिशन आ रहा है, न्यूट्रिएंट आ रहा है। तो नाइट्रोजन लेवल बढ़ गया, एल्गी बढ़ गई, तो इससे काफ़ी कोरल रीफ्स को दिक्कतें आएंगी। सेडिमेंटेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से कोस्ट के पास हो रहा है, जो हम धीरे धीरे बीचेस बनाते जा रहे हैं, सोयल इरोजन की वजह से सेडिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिवर्स में बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। लाइटिंग को नहीं मिल पा रही सेडिमेंटेशन की वजह से, स्ट्रक्चर बढ़ने की वजह से और ओवरग्रोथ ऑफ एल्गी की वजह से इनको वो प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही जिनकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते थे। अच्छा, इनके मैं कुछ आपको फीचर्स बता देता हूँ। देखो, ये जो टेम्परेचर होता है इनका, ये 20 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए और 30 डिग्री से 35 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई हार्ड लाइन नहीं है कि 30 डिग्री हो, लेकिन 20 से 25 डिग्री तक अगर रहे, 20 से 30 तक, तो काफ़ी सामान्य तरीके से ये जिएंगे। टेम्परेचर कम हो गया, ठंडा हो, ऐसे तो जो कोल्ड वाटर कोरल्स भी होते हैं, कोल्ड वाटर कोरिफ्स भी होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि जो वार्म वाटर जो कोरल रीफ्स होते हैं, कोल्ड वाटर रीफ्स 39 से 55 डिग्रीज तक रह लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ़ारेनहाइट की, ठीक है, सेल्सियस में काफ़ी कम इनका टेम्परेचर हो जाता है और काफ़ी कम जो है ये ठंडे पानी में रह लेते हैं, कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स। लेकिन जो वार्म वाटर है जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सेलिनिटी भी फिक्स है, एवरेज सेलिनिटी वहाँ पे पानी में 27 से 40% रहनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। और शेलो वाटर रहना चाहिए, डेप्थ लेस देन 50 मीटर, डेप्थ जो है 50 मीटर से कम रहनी चाहिए। डेप्थ जो है वाटर की वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शेलो वाटर में अगर वो रह रहे हैं तब तो 50 मीटर से कम होना चाहिए, और नॉर्मल वाटर में वो 200 मीटर से ज़्यादा उनकी डेप्थ नहीं होनी चाहिए। इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में 19,000 स्क्वायर किलोमीटर में कोरल रीफ कवर करते हैं, और शैलो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो रहते हैं, जो हमारे कोरल रीफ है, जैसे भारत के, भारत इंडियन ओशियन के, क्लीन क्लियर वार्म वाटर इनको चाहिए। और कोरल रीफ्स हमारे भारत में पाल्क बे में, गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान और निकोबार आइसलैंड में, और लक्षद्वीप तो खुद ही एक कोरल रीफ है, ठीक है, एक तरीके का कोरल रीफ है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक बार यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन आ गया था कि कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ जैसे ऑप्शन थे, तो आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। अच्छा, कोरल रीफ की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कोरल रीफ्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मोस्ट प्रोडक्टिव और कॉम्प्लेक्स कोस्टल सिस्टम है ये, हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है इनकी, और प्राय काफ़ी ज़्यादा ये प्रोडक्शन करके चलते हैं। टाइम काफ़ी लग जाता है इनको ग्रो होने में, लेकिन जो साइकिल चलती जाती है। हालांकि आप देखो कि ये जो कोरल्स रहते हैं, ये रहते हैं न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में, जिसमें न्यूट्रिएंट काफ़ी कम हो, और यही एक वजह है कि हम जिस तरीके से न्यूट्रिएंट बढ़ाते जा रहे हैं, नाइट्रोजन जिस तरीके से लेवल बढ़ता जा रहा है, इससे एल्गी की ओवरग्रोथ हो रही है और इनको नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन सुटेबल क्या है इनके लिए, वो पानी जो वाटर क्लीन हो, क्लियर हो, शैलो वाटर हो, और साथ में न्यूट्रिएंट पुअर हो, ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं हो, एल्गी की ओवरग्रोथ उसमें नहीं हो। और कोरल से पूरा इकोसिस्टम चलता है, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स, सब जो है कोरल पे हाई प्रोडक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए कोरल रीफ्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। अच्छा, कोरल ब्लीचिंग की बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोरल्स चार तरह के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ जिनको शोर रीफ भी कहते हैं, बैरियर रीफ, एटोल, तीन तरह के होते हैं, माफ़ कीजिए, एटोल का बनने का जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ की बात करते हैं। देखो, फ्रिंजिंग रीफ किनारे पे रहते हैं, ये आप देखिए जो किनारे पे जो है ना, ये फ्रिंजिंग रीफ है, फ्रिंजिंग रीफ किनारे पे ज़मीन के पास में ये उगते हैं, बनते हैं, और आप देखोगे कि धीरे धीरे ये एक्सटेंड होते जाते हैं, और लेकिन आप देखोगे कि ज़्यादातर ये किनारे पे ही सीमित रहते हैं, ज़्यादा डेप्थ में ये नहीं पाए जाते। इनके जो कोरल पॉलिप्स होते हैं,
फ्रिंजिंग रीफ के जो एनिमल्स होते हैं ना, फोन जो पॉलिप्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो कोरल रीफ्स बनाते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहते। हालांकि ये जो फ्रिंजिंग रीफ है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मोस्ट कॉमन है। जितने भी कोरल रीफ्स पाए जाते हैं हमारे, उनमें सबसे ज़्यादा फ्रिंजिंग रीफ होते हैं। फ्रिंजिंग रीफ, लगून अलग चीज़ हो गई, लगून के बारे में पढ़ेंगे। बैरियर रीफ क्या होता है? बैरियर से आपको पता चल रहा है, बैरियर जो बना के चल रहे हैं, एक बैरियर जो बना के चल रहे हैं और काफ़ी फ्रिंजिंग रीफ से आगे होते हैं, डेप्थ में होते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये जो आपको ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये फ्रिंजिंग रीफ है किनारे पे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। ये बैरियर रीफ है, ये बैरियर बना के चल रहा है, इसके बीच में है और इस एरिया के बीच में, ठीक है। यहाँ पे रीफ है, यहाँ पे पॉलिप्स हैं, एनिमल्स हैं, और यहाँ पे वाटर आ गया, और ये अटोल है, ये तीसरा फीचर है अपना, राउंड कलर में जो बन रहा है। अब ये लक्षद्वीप आइसलैंड है बिल्कुल ऐसा। तो बैरियर रीफ आप देख सकते हैं, बैरियर रीफ जो है आप देखोगे, देखो कॉमन जो है पूरी दुनिया में फ्रिंजिंग रीफ है किनारों पर, लेकिन इनकी साइज इतनी बड़ी नहीं होती। बैरियर रीफ की साइज बहुत बड़ी होती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से बैरियर रीफ बन रही है ये एंड पॉलिप्स जो हैं ये कोरल रीफ बना रहे हैं, इनकी साइज ज़्यादा बड़ी नहीं है। हालांकि ये कॉमन है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। बैरियर रीफ कम पाए जाते हैं, लेकिन इनकी साइज बहुत बड़ी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इतना नहीं है, साइज में काफ़ी बड़ा है, और फोटो में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ये रहते हैं, और काफ़ी कॉमन नहीं है ये, मतलब। अब ग्रेट बैरियर रीफ एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का, जो 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 1200 माइल्स तक, बैरियर रीफ। अभी मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, बहुत लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बैरियर रीफ का। अच्छा, अटोल्स की बात करते हैं, ये है अटोल, देखो ये अटोल है, ठीक है। ये धीरे धीरे रीफ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और ये जो आप देखोगे, ये जो आप देखोगे, ये पूरी तरीके से राउंड होता गया और एक लंगून बन गया। लंगून एक छोटा सा एक वाटर सोर्स होता है, एक कह सकते हो एक पानी का वाटर बैंड होता है, जिसमें चारों तरफ कोरल की डेवलपमेंट होती है। अटोल सराउंडिंग होता है एक तरीके से, और बिल्कुल आगे जाके होता है, बिल्कुल डेप्थ में, समंदर के बीचों बीच बनता है, ये लंगून बन जाता है एक, ठीक है। मतलब एक पानी का एरिया, उसके चारों तरफ कोरल रीफ उसको सराउंडिंग कर लेती हैं, तो एक लंगून बन जाता है, इसको कहते हैं अटोल। बहुत गहरे पानी में रहते हैं ये, और एक कोन बनाते हुए चलते हैं ये। लक्षद्वीप हमारा आप देखोगे तो एक अटोल टाइप का ही कोरल रीफ है, अटोल, जो कि सराउंडिंग है इसके कोरल रीफ्स, और बीच में लंगून बना हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा अटोल हमारे इंडियन ओशन में है, लक्षद्वीप तो है ही, जैसे मालदीव्स हैं, चागोज आइसलैंड है, और काफ़ी ज़्यादा आइसलैंड ग्रुप्स हैं, कोकोस आइसलैंड ग्रुप है, स्विचेल्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अटोल फॉर्मेशन बना के रखते हैं। तो अटोल हमारे पास है। अच्छा, कोरल ब्लीचिंग की हम बात करते हैं। देखो, कोरल ब्लीचिंग की मैं बात कर रहा था, तो कोरल ब्लीचिंग एक काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे पूरी दुनिया में कोरल्स के लिए, क्योंकि जो कोरल है और जो जूजलैंते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म पे टिका हुआ रहता है, आपको पता है उनके बीच में एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रहती है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। और बेसिकली ये जो एल्गे अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो ये न्यूट्रिशन कोरल रीफ को दे देते हैं, बदले में कोरल रीफ उनको एक जगह देता है कि हाँ, जैसे किराए का मकान हो गया ना, कि कोरल जो है अपनी खुद की ऑर्गेनिज्म, खुद की बॉडी दे देता है पॉलिप, कि आओ जुजलैंथे तुम हमारे ऊपर बैठो और न्यूट्रिशन बनाओ, बदले में 90% जो न्यूट्रिशन है वो हमारा धम को दे देना। रिलेशनशिप इफेक्ट होती है अगर कोरल ब्लीचिंग होती है तो। कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि जो सिम्बेटिक एल्गे जो उसके ऊपर टिका हुआ है, पॉलिप्स के ऊपर जो एल्गे है जिसको कलर देता है, न्यूट्रिशन देता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो, वो एल्गे ख़त्म हो जाता है, एल्गे मरना शुरू हो जाता है तो। अब आप देखोगे कि मैंने क्या बोला, कि ये जो जुजलैंते हैं, जो एल्गे हैं, ये इसको कलर देता है। हमको कैसे पता चले कि ये जुजलैंते ख़त्म हो रहा है? कोरल रीफ पे कलरिंग ख़त्म हो जाएगी, वो वाइट बदलने लग जाएंगे, वाइट तो होते ही हैं, लेकिन उन पे कलर जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट से दिखने लग जाएंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि जुजलैंते जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे हैं वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से इनको कलर मिलता था, और कलर नहीं है तो उनका मतलब ये नहीं है। ये जो कोरल्स होते हैं ये काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं, और काफ़ी वल्नरेबल बन जाते हैं अगर ये एल्गे नहीं होगा तो, और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये अल्टीमेटली पहले जुजलैंते मरेगा, एल्गे ख़त्म होएगा, फिर जो कोरल है, जो एनिमल है, वो ख़त्म होएगा, और इससे वास्ट जो इकोसिस्टम है वो हमारा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। रिकॉर्ड्स देखें 2016-17 की, तो ग्रेट बैरियर रीफ आधी मर चुकी है कोरल ब्लीचिंग की वजह से।
कोरल ब्लीचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम हमारे आप खुद एक बार वीडियोस देखो कोरल रीफ्स के, कितने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर होते हैं, पूरे मरीन इकोसिस्टम को, ओशियंस को, समंदर को एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड, इतनी प्यार, और मतलब इनके जो फिशेज होती हैं इनके सराउंडिंग में रहती है और काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ही रहता है, उसको हम ख़त्म करके चल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इनसे इनका जो माइक्रोस्कोपिक एल्गे है जो इनको न्यूट्रिशन देता है, कलर देता है, जो इनके ऊपर रहता है, वो ख़त्म होता जा रहा है और बदले में कोरल भी ख़त्म होते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो ये जो फ्रिंजिंग रीफ है हमारे, बैरियर रीफ है और जो अटोल है, तो जो बैरियर रीफ है वो तो आप जानते हैं, जैसे कि हमारा निकोबार हो गया और जो ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, अटोल्स हमारे लक्षद्वीप में हैं, अटोल टाइप के जो कोरल रीफ्स होते हैं। अच्छा, अंडमान और निकोबार आइसलैंड है जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है कोरल्स की, फिर लक्षद्वीप आइसलैंड्स की है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार की है, फिर गल्फ ऑफ कच्छ की है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है कोरल्स की, और लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप एक टाइप का अटोल टाइप का कोरल रीफ है जिसमें कम है थोड़ी सी अंडमान निकोबार से डाइवर्सिटी, लेकिन है। तो पहले अंडमान, फिर लक्षद्वीप, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, फिर गल्फ ऑफ कच्छ, अटोल सर्कल की तरह होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कोरल रीफ्स की बात की हमने, कोरल ब्लीचिंग की। अब ये कोरल ब्लीचिंग इस तरीके से होती है, पहले इस ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एल्गे है, जुजलेंथे हैं, ये पॉलीप है, ये पॉलीप एक एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है, उसके चारों तरफ एल्गे है, स्ट्रेस बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, तो यहाँ पे जो एल्गे है वो धीरे धीरे कोरल को छोड़ने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे, और उसके बाद कोरल ब्लीच हो जाएगा और जो कलर है वो कलर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कोरल जो है वल्नरेबल हो जाएगा, इसको न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। इस तरीके से कोरल ब्लीचिंग होती है। अब एक करंट अफेयर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, एक स्नोफ्लेक कोरल निकल के आया था। जैसे आपको पता है कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं फ्लोरा और फौना में जो कि इन्वेजिव होती है, कि वो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज हैं उन पर अटैक करती हैं। ये स्पीसीज कोरल की भी पाई गई जिनको स्नोफ्लेक कोरल कहते हैं, जो कि काफ़ी गंदी है, मतलब ये नुकसान पहुँचाती हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है और हाल ही में तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी में पाई गई। ये जो इन्वेजिव स्पीसीज़ है वहाँ की इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है और वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ है कोरल की उनको भी अटैक करती है। तो ये अभी पाई गई तिरुवनंतपुरम में और कन्याकुमारी में, तो ये भी एक फैक्टर है कि कोरल रीफ इन्वेजिव स्पीसीज़ की वजह से डाई होते जा रहे हैं। कोरल की मैंने बात की, तो कोरल के फंक्शंस क्या क्या है, बेनिफिट्स हमको क्या क्या मिलते हैं। कोरल्स के फंक्शन है, एक तो हैबिटेट, 1 मिलियन डाइवर्स एक्वेटिक स्पीसीज़ को ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ फिश स्पीसीज़ को घर देते हैं। और आप देखो कि इनकी जो वैल्यू है वो पर ईयर 2.7 ट्रिलियन डॉलर की निकलती है और ग्लोबल इकोसिस्टम की सर्विस वैल्यू 2.2% है। टूरिज्म, फूड की बात कर रहा हूँ मैं, टूरिज्म जो होता है, फूड ये जो देते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम जिस तरीके से बढ़ा के चलते हैं, जो फिशेज जो इनके सराउंडिंग में रहती है, जो टूरिज्म इससे बढ़ता है, जो फूड जो इनसे मिलता है, वो 2.7 ट्रिलियन पर ईयर की है। और कोस्टल प्रोटेक्शन की मैं बात करूँ, तो कोरल रीफ्स वेव्स जो होती हैं उनसे एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेती हैं और एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो कोस्टल हाउसिंग, एग्रीकल्चर लैंड और बीचेस को प्रोटेक्शन देती है, जैसे मैंग्रोव्स अपने होते हैं। मेडिसिन, कोरल रीफ्स मेडिसिन देती हैं, वर्ल्ड्स के जो मोस्ट प्रिवलेंट डेंजरस इलनेस और डिसीज, बीमारियाँ खतरनाक जो है उनके लिए दवाइयाँ देती है, मतलब इतने फ़ायदे हैं। तो ब्यूटीफुल तो है, टूरिज्म देती है, फूड देती है, मेडिसिन दे रही है, कोस्टल प्रोटेक्शन दे रही है, लोगों को इनकम दे रही है, एक्वेटिक सिस्टम को हैबिटेट दे रही है, और उनको हम इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना इंसान इतना लालची हो गया, इतना लापरवाह हो गया कि जो चीज़ उनकी मदद कर रही है उसको भी हम नुकसान पहुंचा के चल रहे हैं। अब थ्रीड्स की मैंने आपको पहले भी बात की थी, कोरल रीफ्स जो हैं आप कह सकते हो बिल्कुल मैंग्रोव्स की तरह हैं, हैबिटेट में इतनी चीज़ें ये प्रोवाइड करके चलते हैं, इतना आप मतलब लहर भी आती है, स्टॉर्म भी आती है तो उनसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो हमको हर तरफ से प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, हर तरह से प्रोटेक्शन भी। और ध्यान रखना कि ये लार्जेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर है, कोरल रीफ्स लार्जेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर है। इतने बेनिफिट्स हैं इनके, अनलिमिटेड, जो आप सोच भी नहीं सकते।
और इनडायरेक्टली तो क्या बेनिफिट्स होंगे ये अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी इन पे थ्रीड्स बढ़ता जा रहा है। कोरल ब्लीचिंग हो रही है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, शिपिंग टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ओवर फिशिंग हम कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस हम कर रहे हैं इनको नेचुरल इवेंट्स की वजह से भी और हमारी वजह से भी। ठीक है, नेचुरल इवेंट्स तो ये हो गया कि ठीक है स्टॉर्म्स आ गई, फ्लड्स आ गई, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर बढ़ गया, अल नीनो हो गया, लेकिन हमारा क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक जो इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि आपने देखा कि ओवर एक्सप्लोइटेशन हम कर रहे हैं, ओवर फिशिंग हम कर रहे हैं, नेचुरल तो नेचुरल नेचर की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक हमारी वजह से, ओवर एक्सप्लोइटेशन, न्यूट्रिशन हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, उनका न्यूट्रिएंट ओवरलोड कर दिया जिससे उनकी एल्गी मर गई, और ओवर फिशिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सेडिमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इनकी वजह से कोरल रीफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जो कि पार्टनरशिप है नेशंस के बीच में और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो कि कोरल रीफ्स को प्रिजर्व करने की बात करता है। और सबसे बड़ी बात जो है और सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि इसके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं है इसके मेंबर्स पे। 1994 में से फाउंड किया गया था 8 गवर्नमेंट्स के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाइका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया तो कह रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो द ग्रेट बैरियर रीफ है, तो इन्होंने मिलकर इनिशिएटिव लिया, हालांकि इसका डिसीजन के मेंबर्स पे बाइंडिंग नहीं होता। अब इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव में 60 मेंबर्स हैं, इंडिया भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अनाउंस हुआ था जब 1994 में पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, बायोलॉजिकल कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1994 में, CBD की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, उसमें इसको बनाया गया था इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को 1994 में। और फिर जो है इसको इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, UN कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीटिंग हुई थी 1995 में। इंडिया भी अब इसका मेंबर है और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोरल भी इसने डिसाइड किया था, अभी शायद 2018 था जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोरल रीफ्स इसने माना था जहाँ तक मुझे याद है, तो काफ़ी अच्छे काम ये कर रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है जिसमें 2900 इंडिविजुअल रीफ्स हैं और 900 आइसलैंड्स हैं, 900 आइसलैंड्स सोचो, और आधी मर चुकी, ग्रेट बैरियर रीफ आधी ख़त्म हो चुकी, जैसा कि मैंने बताया कोरल ब्लीचिंग की वजह से, और ऑस्ट्रेलिया में है ये ग्रेट बैरियर रीफ। अब सबसे बड़ी बात यह कि आप इसको स्पेस में से भी देख सकते हो, आसमान में से भी इनको देख सकते हो, ग्रेट बैरियर रीफ साफ दिख जाएगी आउटर स्पेस में से। वर्ल्ड्स का बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ने घेर के रखा है, इसमें बिलियंस ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म है जैसे कोरल पॉलिप्स जिनको कहते हैं। 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था, ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट द ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा वीडियो ख़त्म करूँ उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, और वो बातें मेंस के आंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया कोरल रीफ्स के लिए। भारत सरकार ने इनडायरेक्टली कोशिश की बचाने की और डायरेक्टली भी कोशिश की है, डायरेक्टली कर रहे हैं बायोरॉक बना के, जो हमने करंट अफेयर पढ़ा अभी। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन हम लाए और कई सारी चीज़ें हमने की, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में कोरल रीफ को इंक्लूड किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में कोरल रीफ को इंक्लूड किया गया है, और शेड्यूल फर्स्ट में जो भी फ्लोरा या फोना आता है उसको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिले हुए होती है। काफ़ी ज़्यादा काम इसमें हुआ है, और आप देखोगे कि हमने जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ काफ़ी नेशनल पार्क और सेंचुरीज और मेरीन बायोस्फेयर रिजर्व्स बनाए हुए हैं ताकि कोरल रीफ्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स की मैं बात करूँ, की इनिशिएटिव्स की मैं बात करूँ, तो कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग प्रेडिक्शन सिस्टम है जिसको 1991 में लाया गया था, कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग प्रेडिक्शन सिस्टम। माफ़ कीजिए मेरा गला भी ठीक नहीं है इसलिए थोड़ी बहुत खांसी आ रही है, माफ़ी चाहते हैं। लैंड ओशियन इंटरेक्शन इन द कोस्टल जोन 1995 में आया था,
लैंड ओशियन इंटरेक्शन इन द कोस्टल जोन 1995। फिर आपका इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट 1998 में ही आया था। सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट आया था 2010 में, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट 2010 में। CRZ नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई दी 2011 में जो आए थे, और हमारी नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है जो कि CRZ के रूल्स को फॉलो करता है। अभी हाल ही में हमने केरला में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरा दी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, क्योंकि वो बिल्कुल कोस्टल जोन पे बना हुआ था। तो इस तरह के जब हम काम करते हैं तो वेरियस प्रोटेक्ट मेजर्स अपनाते हैं, तो एक आशा दिखती है कि हम किसी ना किसी तरीके से पोल्यूशन को रोक के, ऐसी अथॉरिटीज़ बना के और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कोस्टल एरियाज़ में रोक के, डेवलपमेंट रोक के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ा के कोरल रीफ्स को कहीं ना कहीं बचा सकते हैं, ऐसी आशा रहती ही है। और भारत सरकार ने भी कई है इनिशिएटिव्स उठाए हैं, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। इसमें कोरल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आता है, ये मेरी गारंटी है कि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो, इंडियाज अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनिमल टैक्सोनॉमी के बारे में रिसर्च करता है वो। मतलब वो क्या करता है कि जो एनिमल टैक्सोनॉमी है उस पर रिसर्च करता है, एक्सप्लोरेशन करता है एनिमल टैक्सोनॉमी, एनिमल के बारे में वो देखता है कि किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट हो रही है। 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, तो आज़ादी से पहले ही आ गया था 1916 में, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो आप कहना कोलकाता। इसको डिज़ाइन किया गया है रेपोजिटरी फॉर नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन, रेपोजिटरी फॉर नेशनल जूलॉजिकल कनेक्शन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 39 के अंदर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको कोऑर्डिनेशन मिलती है कंजर्वेशन एंड सर्वे डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जो आता है उसके तहत, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ, ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल टैक्सोनॉमी पे, एनिमल टैक्सोनॉमी में रिसर्च करता है, 1916 में आया था, कोलकाता में ये इसका हेडक्वार्टर है, और नेशनल रेपोजिटरी फॉर नेशनल जूलॉजिकल कनेक्शन है ये, इसको ऐसा माना गया, इसको स्टेटस मिला हुआ है। और इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो कंजर्वेशन एंड सर्वे डिवीजन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है उसके तहत कोऑर्डिनेट किया जाता है। गाइस, ये थी हमारी वीडियो, ये वेरियस कोर्सेज है जो कि टीम अचीव आईएएस ऑफर करती हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।